इस वक्त की बड़ी खबर पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं, जहां कोलकाता केस को लेकर सुनवाई जारी है। आपको बता दें, अभी का अपडेट ये कि सीबीआई ने अभी तक की जांच की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी है। सीजीआई ने पूछा कि आरोपी का मेडिकल टेस्ट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डॉक्टर्स से भी अपील की गई कि ड्यूटी पर वापस लौटे। जो टास्क फोर्स बनाई गई है उसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स को रखने की मांग रखी गई। टास्क फोर्स रेजिडेंट डॉक्टर्स की बात भी सुनेगा, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया। सार्वजनिक अस्पतालों में कई दिक्कतें हैं, इसको सीजीआई ने खुद स्वीकार किया और उन्होंने बताया किस तरीके से उनके परिवार में जब कोई बीमार था तो उनको भी सरकारी अस्पताल में रात जो है वो जमीन पर सोकर गुजारनी पड़ी थी। और इस बीच हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय मौजूद हैं। जरा अंकित से अपडेट लेते हैं। अंकित, बताइए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में ये कोलकाता केस की सुनवाई आगे बढ़ रही है। रोमाना, इस वक्त के लिए एक बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है केस के लिहाज से कि यहाँ पर सीबीआई यानी कि जो सीबीआई के वकील हैं सॉलिसिटर जनरल, वो ये क्या बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस मामले में चौंकाने वाला तथ्य तो ये है कि एफआईआर कब दर्ज हुई। एफआईआर तब दर्ज हुई जब जो पीड़िता थी उसका जो है अंतिम संस्कार हो चुका था, यानी कि उसके अंतिम संस्कार के बाद में एफआईआर दर्ज हुई। तो ऐसे में मुमकिन है कि कई सारी ऐसी जानकारियां जो कि पहले जुटाई जा सकती थी वो शायद उस तरह से जुटाई गई या नहीं जुटाई गई, अभी हमको नहीं पता। हालांकि कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि तमाम जानकारियां जो केस डायरी है उसमें दर्ज है। अब यहां पर एक और बहुत बड़ी जो जानकारी निकल के सामने आ रही है और वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल ने 2023 में अस्पताल की ही एक डॉक्टर की कंप्लेंट का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि 2023 में एक कंप्लेंट दी गई थी एक जो है एक डॉक्टर के द्वारा, जिसमें वहाँ पर ये बताया गया था कि कई सारी गड़बड़ियाँ हैं, उस पर क्या हुआ शायद कुछ नहीं, और ये गंभीर विषय है। लेकिन रोमाना, कोर्ट का एक सवाल है, कोर्ट ने क्या पूछा है, कोर्ट ने ये पूछा है कि क्या आपके पास में पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। सीबीआई के वकील ने क्या कहा, हाँ ये हमको लोकल पुलिस यानी कि स्थानीय कोलकाता पुलिस के द्वारा दी गई है। लेकिन जब कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, हमने सबूतों के साथ वहां पर किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होने दी, हमने मतलब कोलकाता पुलिस ने, तो फिर सॉलिसिटर जनरल सीबीआई के वकील ने ये कहा कि देखिए ये कह रहे हैं कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं होने दी गई और ये कह रहे हैं कि हमने वीडियोग्राफी करवाई थी घटनास्थल की। तो वीडियोग्राफी कब हुई, वीडियोग्राफी तब हुई जब वहां पर स्थानीय डॉक्टरों ने दबाव बनाया पुलिस पर, उसके बाद में वीडियोग्राफी हुई। यानी कि सीबीआई के वकील सॉलिसिटर जनरल कोर्ट को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोलकाता पुलिस की जांच किस तरह से सवालों के घेरे में रही है। और इस इतना ही नहीं, लगातार अब यह भी बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो अब मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी सामने आई है, ये बहुत परेशान करने वाली बात है। सुबह 10:10 पर अननेचुरल डेथ की डायरी एंट्री हुई, इसके बाद में रात में क्राइम सीन का डिमार्केशन हुआ। रोमाना, ये बहुत बड़ा लैप्स है, क्योंकि तमाम जो है इस तरीके के केसेस हमने देखे हैं जहां पर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज होती हैं, सबसे पहले जो जांच के लिए पुलिस पहुंचती है वो क्या करती है, उस घटना स्थल को घेराबंदी करती है, उसको सील करती है। रोमाना, ये तो जब ये चीजें अगर बताने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की ये टिप्पणी है, वो ये कह रहे हैं कि ये बहुत परेशान करने वाली बात है। सुबह 10:10 पर अननेचुरल डेथ की डायरी एंट्री हुई, इसके बाद रात में क्राइम सीन का डिमार्केशन हुआ। यानी कि अगर 12 घंटे मान लिया जाए तो 12 घंटे में तो सबूतों के साथ में किसी भी तरह की छेड़छाड़ हो सकती है। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात ऐसा ही जो कहीं पर हवा में नहीं है, ये मुख्य न्यायाधीश ने इस पर चिंता जाहिर की है। ये कोलकाता पुलिस की कार्य प्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई घटना होती है, अगर एक बार यह भी मान लिया जाए कि किसी ने सुसाइड ही किया है, वहां पर भी आप उस एरिया को पूरा कॉर्डन ऑफ करते हैं, उसको सील करते हैं। लेकिन यहां पर मुख्य न्यायाधीश ने चिंता जताई, सुबह 10:10 पर अननेचुरल डेथ की डायरी एंट्री हुई, इसके बाद रात में क्राइम सीन का डिमार्केशन हुआ। रोमाना, इसी वजह से कोलकाता पुलिस की जांच के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, इसी वजह से सवालों के घेरे में इस समय कोलकाता पुलिस, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई की तरफ से खुद इस बात का जिक्र किया जा रहा है, इस पूरे मामले में 10:10 सुबह अननेचुरल डेथ
की डायरी एंट्री होती है और क्राइम सीन का डिमार्केशन रात में किया जाता है। मतलब ये जो बीच के घंटे, इसमें किस तरीके की छेड़छाड़ हुई होगी, इसको लेकर जो आशंका जताई जा रही है उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। अंकित गुप्ता, प्रश्न दोहराएंगे। ये जो सीजीआई की तरफ से कहा गया है कि बहुत परेशान करने वाली बात है कि 10:10 पर अननेचुरल डेथ, डायरी एंट्री और फिर क्राइम सीन की डिमार्केशन रात में किसी समय जाकर होती है, और ये जो इतने घंटे, और हम समझाते हैं कि क्राइम सीन और उसमें किसी तरीके की कोई छेड़छाड़ ना हो, ये कितना अहम होता है केस की जांच के लिए। ऐसे में तो बड़ी लापरवाही है जिसे खुद सीजीआई की तरफ से रेखांकित किया गया। अंकित, तो माने ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है, और ऐसे में तो केस के साथ में, केस के सबूतों के साथ में पूरी तरह छेड़छाड़ हो गई हो, इस बात की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर आपने क्राइम सीन को प्रोटेक्ट ही नहीं किया, आपने क्राइम सीन को डिमार्क ही नहीं किया, तो फिर तो वहां पर कोई भी आ भी रहा होगा, जा भी रहा होगा, जिसका अगर कोई और मंशा होगी सबूतों को नष्ट करने की तो वो भी किया होगा। अब यहां पर कोर्ट ने अब एक और सवाल पूछा है कि पीड़िता का पोस्टमार्टम कितने बजे हुआ। कपिल सिब्बल, जो कि कोलकाता पुलिस के भी वकील, उन्होंने क्या बताया, शाम को 6:10 से लेकर के 7:10 के बीच में, यानी कि 1 घंटे का पोस्टमार्टम हुआ है। अब कोर्ट क्या कह रही है, कोर्ट कह रही है, लेकिन इस हिसाब से तो अगर हम ये जानकारी के हिसाब से बात करें, FIR दर्ज हुई है रात में, जो हत्या की FIR है वो दर्ज हुई है रात में 12:15। इस हिसाब से तो जो पोस्टमार्टम हुआ वो अननेचुरल डेथ के सिनेरियो को देखते हुए किया गया। तो ये अपने आप पे कई तरह के सवाल हैं, और ये कोर्ट अब जो है एक एक करके पूछ रही है। और कोर्ट क्या कह रही है, ये तो बहुत सरप्राइजिंग है कि पोस्टमार्टम जो है जिस तरीके से जब वो किया गया, उस दौरान हत्या का जो है बात ही नहीं हो रही थी, उस दौरान तो सिर्फ अननेचुरल डेथ की बात हो रही थी। तो निश्चित तौर पर कोर्ट की तरफ से एक एक करके कई तरह के सवाल दर्ज किए उठाए जा रहे हैं। और अब एक और सवाल, ये हैरान करने वाली बात है कि FIR पोस्टमार्टम के बाद दर्ज हुआ। रोमाना, अब आप खुद समझ सकते हैं इस वक्त जो है कोर्ट कितनी ज्यादा जो है, कोर्ट चिंतित भी है और कोर्ट के सवाल भी गंभीर हैं। क्या पोस्टमार्टम हो जाता है शाम को 7:10 पे जी, हत्या की FIR कब दर्ज होती है, रात में 12:15, यानी कि घटना के पोस्टमार्टम होने के करीबन 5 घंटे बाद, और यही कोर्ट सवाल उठा रही है।